नमस्कार सर। नमस्कार, मैं अरविंद कुमार, सनमुखा एग्रीटेक लिमिटेड कंपनी से सर अभी यहाँ पे आए हैं सर। तो इस मक्का में सर सनमुखा कंपनी का कुछ प्रोडक्ट आप यूज किए हैं, जो हमारे वसुधा है कीटनाशक, जैविक कीटनाशक है, इनका उपयोग आप मक्का में किए हैं, और ये मेरा भाग्या जिंक है सर, इनका उपयोग किए हैं, तो इनसे क्या फ़ायदा हुआ सर थोड़ा बताएंगे। पहले आप अपना परिचय देंगे सर, उसके बाद क्या सब प्रोडक्ट इसमें यूज किए हैं थोड़ा बताएंगे सर। मेरा नाम इंद्रजीत कुमार मेहता, घर चैनपुर, थाना श्रीनगर, मधेपुरा। इसमें सर जमीन में क्या डालें सर? इसमें सर भाग्या मैक्स डाले हैं, भाग्या जिंक है सर, भाग्या जिंक डाले सर। इसके बाद वसुधा डाले हैं। इसको इसमें जो है 6 प्रकार का तत्व मिला हुआ जो कि पौधा को तंदुरुस्त और स्वस्थ रखता है। और कीटनाशक के लिए हम लोग ये वसुधा डाले हैं जो कि अच्छा है, इससे कोई रोग भी नहीं लगता है और शुरू से अंत तक कीड़ा नहीं लगने देता है। तो ये भाग्या जिंक है सर, इसमें 6 प्रकार का सूक्ष्म पोषक तत्व मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है सर, और ये वसुधा है सर। ये डालने से क्या होता है, जड़ से एक भी कीड़ा आपको, जैसे मक्का का फसल आप लगाए सर, तो एक भी कीड़ा आपको नहीं कटेगा। कोई भी कीड़ा मक्का जन्मेशन के समय होता है क्या, मक्का जन्मेशन हुआ और काटना चालू हो जाता है, लेकिन ये वसुधा डालने से एक भी कीड़ा नहीं काटेगा। इसलिए सभी किसान भाइयों को वसुधा डालना चाहिए। और जमीन के अंदर जो आप जिंक का उपयोग करते हैं, ये भाग्या जिंक का उपयोग करना चाहिए, चूंकि इसमें 6 प्रकार का सूक्ष्म पोषक तत्व है जो पौधा को बेहतरीन क्वालिटीदार, चमकदार, बेहतरीन बनाता है। इसलिए सभी किसान भाइयों को कीटनाशक के रूप में इस वसुधा का उपयोग करना चाहिए और जिंक के रूप में ये भाग्या का उपयोग करना चाहिए। आप सभी किसान भाई भी इन सभी प्रोडक्ट का उपयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया।